नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमारे पास एक फ़ोन है, रेडमी का नोट 10S, जो कि डेड फ़ोन है। तो इस फ़ोन को हम चेक करेंगे कि पहले क्या दिक्कत है, उसके बाद इसमें सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस फ़ोन को आपको डिसेंबल कर लेना है। डिसेंबल करने के बाद डीसी पावर सप्लाई मशीन से लगाइए, उसके बाद इसका रीडिंग देखिए। नेक्स्ट इस पर कोई भी कदम आप आगे बढ़ाइए। तो चलिए, हैंडसेट को डिसेंबल कर लेना है। डिसेंबल करने के बाद इस पर डीसी पावर सप्लाई मशीन का केबल कनेक्ट करनी है। तो इस पे मैंने डीसी पावर केबल कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको मशीन में इसका कंजप्शन दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम पावर की को प्रेस करते हैं। तो ये 201 तक जा रहा है, 201, 202, 201, 202 तक जाने के बाद ये हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमें सीपीयू पे काम करनी है। तो हम बोर्ड को बाहर करेंगे।
इसमें पूरे हैंड स्क्रीन का काम किया जाता है गाइस। डायरेक्ट मोबाइल में आ जाते हैं, ये कोई कोडिंग नहीं है मोबाइल में।